हाथों को उठाए जोर से तारीफ करें, पीछे प्रमुख दास का हाथों गिराते हुए जोर से तारीफ करें। तू मेरा परमेश्वर है, हो तब तो बागू नची नची के तेरी हम बेकरावे, तब तो बागू नची नची के तेरी हम बेकरावे, दुनिया से कोई भी परवाना करावे, दुनिया से कोई भी परवाना करा। ताली बजाकर स्वागत करें और हम अपने बीच में अपने खुदाबंद को इनवाइट करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे बीच में मौजूद रहें ताकि हम जो कुछ प्रार्थना करें वचन पढ़ें, तू हमारी प्रार्थना को सुनना, हमारे वचन को सुनना और हम सबको आशीष। खुदाबंद यीशु जिंदा जलाली खुदाबा, मैं आपको पुकारता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा कलाम में लिखा है जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे सुनूंगा। परमेश्वर मैं तेरे दास होने के नाते तेरी तरफ हाथ उठाता हूँ कि परमेश्वर तू ही एक परमेश्वर है, तू ही एक सच्चा परमेश्वर है जो दुनिया के लोगों को बचा सकता है। परमेश्वर तेरा जैसा ना कोई था ना है ना होगा परमेश्वर, हम जब तक तेरे को नहीं जानते थे मेरे पिता हम भटके हुए थे, हम टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर जब से हमने तुझे जान लिया, तूने हमें जान लिया परमेश्वर, तेरे कलाम में के लिखा है परमेश्वर कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया। परमेश्वर तूने हमें माँ के गर्भ से चुन कर रखा है परमेश्वर, हम तेरी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तेरे चुने हुए पर कौन दाग लगाएगा, तेरे चुने हुए को कौन रोक सकता है परमेश्वर, जिसे तू पढ़ाए उसे कौन रोकेगा परमेश्वर। आज मेरे पिता तेरे बेटा बेटी जितने हाथ उठाकर तुमसे कह रहे हैं मेरे बाप मुझ पर रहम कर और मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे मेरे परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर के कार्य करने स्टार्ट कर दे, पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करने स्टार्ट कर दे ताकि लोग जाने के सच्चे परमेश्वर के लोग होते क्या है। परमेश्वर सच्चे लोगों को साथ तो रहता है, जितने सच्चे दिल से तुमसे पुकारते हैं परमेश्वर, जितने टूट के
व्याकुल होकर तुम कर रो रो कर तेरे सामने विनती करते हैं परमेश्वर, उनकी आंसुओं को पोंछने वाला तू परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जितने लोग मेरे पिता समर्पण कर रहे हैं तेरे नाम, जितने लोग बोले परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुन ले, मेरे नाम धराई को मिटा दे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर तेरा वचन में लिखा जाए जितने तुझे क्रोधित हो सब लज्जित होंगे, वो सब लज्जित होने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तूने इस कलीसिया को खड़ा किया, तूने इन लोगों को लेकर आया है, तू सबको बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू मुंह से भविष्यवाणी करा कर, तू मुंह से बोलेगा और मैं तेरे लिए करूंगा। परमेश्वर तूने अपने दासों का अधिकार दिया है कि जो कुछ तू पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग से बांध दिया जाएगा, जो तू पृथ्वी को खोलोगे स्वर्ग से खोल दिया जाएगा। मैं प्रार्थना करता मेरे पिता आज इन सबके ऊपर आशीष से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक ट्रांसफर हो जाए यीशु के नाम में, यस स्वामी भर जाए यीशु के नाम में, यस स्वामी समर्पण के साथ भर जाए यीशु के नाम में। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ अन्य भाषा से भरे आज परमेश्वर के जीवन सेम न रहे, जितने मुझे सुन पा रहे हैं मेरे परमेश्वर, सुनने वाले को एक एक लोगों को मैं तेरे हाथों में समर्पण कर देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तू अपने लोगों को बचाने छुड़ाने के लिए आ गया है, जितने लोग मेरे पिता अपना हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर तू मुझे छुड़ा, तू मुझे विपत्ति से छुड़ा, मुझे गरीबी से छुड़ा, मुझे दुख से छुड़ा, मुझे बीमारी से छुड़ा। परमेश्वर तेरे चुने हुए पर कोई दाग नहीं लगा सकता है परमेश्वर, अगर जो तेरे चुने हुए पर दाग लगाता है तू उसे अंधा कर देता है। परमेश्वर तू सब कुछ जानता है, जो तेरे लोगों को छेड़ता है, जो सच्चे भक्त को छेड़ता है परमेश्वर उसका हिसाब तू लेता है। तेरा वचन में लिखा बदला लेना मेरा काम है तेरा काम नहीं। परमेश्वर अगर इनका भी कोई विरोध कर रहा है, इन्हें कोई सता रहा है, कोई दुख दे रहा है, इनके साथ लड़ने वाला आज मेरा यहोवा है जो इनके साथ हाथ मिलाकर खड़ा रहेगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने हाथों को उठाओ, हमारा बल यहोवा, हमारा ताकत यहोवा, हम किसी मनुष्य पर भरोसा करके नहीं चलते हैं, ना हाथी घोड़े पर भरोसा करते हैं, ना किसी हाथ रथ पर भरोसा करते हैं, हम तो जिंदा परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हैं। वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा चट्टान है, वही मेरा ढाल है, वही मेरा हमारी के जान से बचाने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा तेरा निकट हजार तेरा दाएं बाएं 10,000 करेंगे परंतु तेरे पास एक भी नहीं आएंगे। प्रार्थना करता है मेरे पिता लाखों दुश्मन आए, लाखों सतान आए, लाखों बीमारियां आए, लाखों कलेश आए, लाखों सताव आए, लेकिन तेरे बच्चों के ऊपर आज से आज नहीं आए। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर जितने कलेश के अंदर लोग हैं, परमेश्वर जितने सारे लोग आज का लाइव भी देख रहे हैं, वो लोग आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आशीषित हो जाए यीशु के नाम, ब्लेस हो जाओ कहां भी हो यीशु मसीह के नाम में, और खुदा के बड़े काम करने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि खुदा काम करने जा रहा है। परमेश्वर कहा मैं तेरा बचाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर मेरे बल तो अपने हाथ उठाओ। यहोवा आज तक जो नहीं बना है आज मेरा जिंदा परमेश्वर के काम को बना कर भेजेगा यहाँ से, आज तक अगर आपका बीजा नहीं बना कर भेजेगा, आज तक नौकरी की तलाश में हो नौकरी मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, आज तक आपके पास बच्चा नहीं आपका गर्भ खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। जब अब्राहम को बुढ़ापे में भी बच्चा दे सकता है, आपको इस साल में क्यों नहीं देगा? अपना विश्वास को मजबूत रखना, अपने भरोसे को मजबूत रखना, सब कुछ देने वाले परमेश्वर करी रखवा। ओ जीवित परमेश्वर, मेरे जुबान की जो बीमारी में है, समस्या में, लाचारी में, कर्जी में है मेरे परमेश्वर, दबे हुए ठगे हुए मेरी जुबान तेरे कलाम में लिखा है बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास करी रखवा, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। मेरे जुबान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तो शांति और विश्राम देने वाला परमेश्वर, आत्मा इनसे बात करे, दिल की दुआ, जो बीमार है उनसे बात करे, जो चलते नहीं उनसे बात करे, जो बोलते नहीं उनसे बात करे। थैंक यू जीसस, सुन ले मेरे दिल की दुआ। ओ जीवित परमेश्वर अपने हाथ उठाओ, बल तो छे दिया परमेश्वर आपसे बात करो, यहोवा आप थोड़ा से बात करो, पुकारी मन को साफ करके बात करो, वो आपसे बात करेगा, मेरे बल तो आपसे बात करेगा।
यहोवा मेरा बेटा मत डर पुकार दहा मैं तेरा परमेश्वर हूं तू किधर देखता है बने तू किधर देखता है मेरे तरफ देख हो यीशु में जो पुकार जो परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर सकता है चट्टानों से पानी निकाल सकता है जो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता है वो तुम्हारे लिए क्या ना करेगा तू उसमें ईमान रख बस वो तेरे लिए सब कुछ करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में इस स्थान पर जो कुछ तू प्रार्थना करके वो तुम्हें मिल जाएगा यीशु के नाम ये जगह पवित्र हो चुकी है यीशु मसीह के लहू से यीशु के लहू से जगह को पवित्र करता हूँ आप बीमार ना रहोगे अगर आपके बच्चे आप बीमार हैं अगर आप लाचार हो आप दुख में हो पीड़ित में हो कथा परमेश्वर मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर और मैं तुम्हें आजाद करूंगा आजाद ये सब ये खुदा ने आपको लेकर आया आजाद करने के लिए आपको छुड़ाने के लिए आपको बचाने के लिए आप रेडी हो जाकर आपके कोई ऐसा बच्चा है जो खड़ा होता चलता नहीं है उसे गोद में उठाओ खड़ा होता चलता नहीं है हालेलुया चाहता हूं हालेलुया जैसे तुम बोलोगे यीशु के नाम में चल आज मैं बच्चा का ताकत आ जाएगा आमीन बच्चा चलने लगेगा यीशु मसीह के नाम में आमीन जिसके अंदर बीमारियां है रोग है कैंसर है शुगर है बीपी है ब्लड प्रेशर है वो बीमारी से पीड़ित है अगर आपको भी चलना नहीं जा रहा है आपको उठा बैठा नहीं जा रहा है आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो आप बोल नहीं पा रहे हो सुन नहीं पा रहे हो आपसे परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटा मुझ पर ईमान रख मैं तेरे आशीष को खोलने जा रहा हूं यहोवा मैं पुकारता हूं तेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता हूं तेरे बल तुझे हां सही कहां सही कहां सही है कहां बन और बोल इसको चलने के लिए चेक कर छूना मत तू उठ और चल यहोवा मैं पुकारता हूं तेरे बल तो छे यहोवा मैं पुकारना तेरे बल तो छे ये हरना गांव से आए और न बिना सहारा के चल पाते थे आपको क्या बोला आज हर एक रोगी चंगा होगा यीशु मसीह के नाम में अभी क्या हुआ ये बिना सहारा के खड़ा हो रहे हैं हाँ और चल भी रहे चल के बोल चलने का चल आ जाओ नहीं है उसको चेक कर वो बोल पा रहे सुनता नहीं था चेक करो उसको काम नहीं करो किसका गिल्टी था चेक करो तुम्हारी गिल्टियां गायब हो रही है पेट में दर्द था चेक कर लो कमर में दर्द था चेक कर लो हाथ में दर्द हो रहा था नहीं उठ रहा था उठाओ जोर से और तीन बार चेक करो चेक करो अपने बॉडी को हील हो रहे यीशु मसीह के नाम में हालेलुया करते जाओगे हां हालेलुया हद वसर ली यीशु ने मेरे हद वसर ली यीशु ने मेरे उदासियां बच के गई तो सुन ले सोने मेरी
स्वाद गवाही लेते जाएंगे। देखो कितने लोग ठीक हो रहे, जैसे जैसे तेल मारते जा रहा है ठीक होते जा रहे हैं। देखो कंटा छूटते जा रहा है, देखो चेक करो, देखो जैसे तेल आज घुमाते जाएगा आज बीमारियां भागते जाएगा। फास्ट हो जा दूर को तेल लगाते जा, देखो डंडा छोड़ छोड़ कैसे चल रहे। ये परमेश्वर है, आज वो आपके लिए भी काम करेगा। हाँ आगे चेक करते जा, दूर फास्ट हो जा, फास्ट हो जा, फास्ट फास्ट हो। और सबके जितने चर्च के अंदर सबके ऊपर तेल लगा और सबको अभिषेक कर। ये गौरी श्री राम तमकुही रोड से, ये बिना सहारे की नहीं चल पा रहे थे, सहारे के लिए चलते थे जी। आज अभी सबके लिए आप प्रार्थना किए हैं और ये वहां रिसीव किए हैं, बिना सहारे के अब ये चल ले रहे हैं। छुड़ाने वाला यीशु तो ही है। एड़ी में 6 महीने से दर्द था, अभी आपने प्रार्थना किया मैं रिसीव की, वो एड़ी का दर्द सही हो गया। हो तेरा फजल मेरे लिए गोपालगंज जिला सही है, 8 साल से नहीं चलती थी, अभी देखो कैसे चल पा रही है। हो तेरी दया इसका मेरे लिए काफी है, हो तेरी दया मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। लो जरो लड़का चाहिए, बेटा चाहिए ना, लेकिन परमेश्वर मुझे कहा कि तुझे बेटा मिलेगा ही मिलेगा। मैं ऐसे थोड़ी बोल दिया तेरे को बच्चा मिलेगा, ऐसे मैंने थोड़ी कर दिया तुझे बेटा चाहिए। तू वहाँ है, मुझे बताई भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं की, कहीं भी नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है मैं तुम्हें बेटा ही दूंगा। यीशु के नाम में खुदा तेरे साथ है, लेकिन तेरा नुकसान हो गया, डेथ कर गया बच्चा, समझ रही है माइक में बोलना है। एक बच्चा डेट कर गया लेकिन आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है तू आज लगभग 3 साल से इंतजार कर रही है, सब बुला ले ले, लेकिन खुदा तेरे को कह रहा है तू चिंता ना कर, तेरे साथ परमेश्वर रहता है। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, लेकिन कोई नाम में से 100 से घर में और पौ से पी से कौन है, सलोनी कौन है, बेटी है, सब लगा ले। बोलता मेरा यश बोलता, बोलता बोलता मेरा यश बोलता, बोलता बोलता मेरा यश बोलता। प्री प्री ऐसे पौ पौ मेरा नाम है पूना, पूना भाले ले यार। बोलता बोलता मेरा यश बोलता, बोलता बोलता मेरा यश बोलता, बोलता बोलता मेरा यश बोलता। सुन पुनः तेरे गर्भ में परमेश्वर बेटा ही देगा, लेकिन भरोसा रखना परमेश्वर पर और वो तेरे लिए सीधा डोर खोलेगा, सीधा रास्ता खोलेगा। लेकिन तुम एक दूसरे से प्रेम रखना, पति पत्नी प्रेम रखना, आपस में प्रेम रखना। तुम्हारे पति कोई नया काम करेंगे इस साल में, समझ रहे कि नहीं? और मैं देख रहा हूँ कोई काम रुका है वो खुल जाएगा और तुम्हारे ऊपर का बोझ परमेश्वर खत्म कर देगा इस साल में। जितने लोग प्रार्थना रिसीव करते हैं उन्हें आशीष मिलता है। सुनो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ दोनों पति पत्नी को, एक और आर से रो से रो से करोट नाम देख रहा था, और से और रो से मेरा देवर है राम धनी, रामू क्या नाम है, राम धनी, राम धनी, राम धनी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। माइक पे रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो, और माइक कहाँ है, रिसीव किया करो ताकि तुम्हारे ऊपर की बंधन टूट जाए। आमीन। बोला करो सुख ना रहो। राम धनी जी देवर है, राम धनी मेरा देवर है, देवर है जी। दो कितने लोग पति है तुम्हारे, तीन भाई, तीन भाई, चार भाई थे, एक भाई डेट कर गया, एक भाई मर गया जी, लेकिन तीन भाई हैं, तीन भाई। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तीनों भाइयों के लिए ब्लेस करता हूँ और इसी समय में दुआ करता हूँ परमेश्वर।
उसके चीजों से खुदा बाप इतने से बेटा मांग रही है, इसे तू बेटा ही देगा। और बाला कर 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 अरे बाला मंदा नमन कर 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 एक बी बॉस एक और नाम देखा मैंने कोई कोई जेंस का नाम एक और नाम देख रहा था किसी को तू जानती से क्या तुझे विश्वास है परमेश्वर देगा? परमेश्वर ने कहा गर्भ का फल यहोवा की तरफ से, जो उस पर ईमान रखता है उसका गर्भ में परमेश्वर फल देता है। और तुझे अगर बेटा ही चाहिए, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर तेरे गर्भ में जुड़वा बेटा ही दे दे। हाथ रख, हाथ रख, हाथ रख, दोनों हाथ मिलाओ। पति से पति कहाँ है, साथ में कौन है? पति तो हाथ मिला, हाथ मिला, हाथ हाथ। वादा वादा रखना, वादा करना, छोड़ेंगे नहीं। कैसे गीत गए, छोड़ेंगे ना हम तेरे साथ, है ना? पति पत्नी वादा करते गले, छोड़ेंगे हम तेरे साथ कभी, कब तक? मरते दम तक। वैसे परमेश्वर कहता है कि अगर तू मरते दम तक मुझ पर ईमान रखे, छोड़ने के बाद छोड़ दे, तू बोलेगा काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। एक दुकान दिख रहा था, कोई कोई दुकान करेगा, कोई 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 कम काम, कोई नया काम कर, नया दुकान आपको आने वाले समय में एक दुकान होगा आपका। कोई कोई भी काम करोगे, नया दुकान बैठाओगे, नोट रखना मेरे माइंड में, आमीन बोलकर रिसीव करके रखो, इसको रिसीव करके रखो कि तुम बड़े काम करो और परमेश्वर तुम्हें जमीन देगा और परमेश्वर तेरे को अपना फोर व्हीलर, परमेश्वर सब कुछ देने जा रहा है बच्चे के साथ साथ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके फोटो को तू अपने कैमरे में कैद कर ले मेरे परमेश्वर, और ये तुमसे बेटा मांग रही है, इसे बेटा ही मिले अब की बार, इसका गर्भ का फल तेरे ओर से होगा और यह प्रेग्नेंट होगी और बेटा उत्पन्न करेगी यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। प्रार्थना करता है परमेश्वर तो अपने नबियों की प्रार्थना को सुनता है, अगर मैंने इसके लिए बोला है तो पूरा होगा यीशु के नाम में। यस आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ने छू और इन्हें हील कर, हील कर। इसी समय एक एक बीमारियां, एक एक दुष्टात्मा इसके घर से परिवार से निकल जाएंगे और आजाद हो यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। आमीन। इसके मुंह में दोनों के मुंह में तेल मारते, हालेलुया, अपना हाथ उठाओ, हालेलुया। आपको गुड न्यूज देगा, अगर आप कल का मीटिंग में फिर अटेंड हो जाओ, कल शुक्रवार का मीटिंग फिर यहाँ का है, और स्पेशली मैं बच्चों के लिए दुआई करूंगा, जितने लोगों को बच्चा नहीं है उनके लिए मैं स्पेशली मिलूंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा कल का दिन। अगर आपके पास टाइम हो कल के प्रार्थना में शामिल रहना, उसके बाद वैसा हफ्ते माना, लेकिन कल शुक्रवार के दिन खास प्रार्थना है, इसे ले लेना, तो ब्लेस हो जाएगी यीशु मसीह का। ओके, हाँ हाँ, हालेलुया। काम कर लेती थी, चार दिन पहले से इसका आवाज बिल्कुल बंद था, कुछ नहीं बोल पाती थी। अभी अभी आप प्रार्थना किए हैं, तेल पानी लगाई है और रिसीव किए हैं, अब ये बोल ले रही है। बोलो बाबू, बाबू चाचा का बाबू बुलवा, बाबू हालेलुया, हालेलुया। कब से आवाज नहीं आ रहा था इसका, कब घर के चार रोज से बंद था, कहां से आए हो? सेमरा बाजार से। आप जाओ उसको, लोगों को बताओ यीशु ने इसे चंगा कर दिया, सब हालेलुया। अभी अभी बोल रही है कि नहीं? अभी बोल रही है, अभी साफ बोल रही है, अभी सही है, जोर से ताली बजाएं इसके लिए। जिंदा है।
जिंदा है, जिंदा है यीशु। जी पापा जी, इस बहन को 8 साल से चलने का मन नहीं करता था और चल ही नहीं पा रही थी, इसका पैर में मेरा बॉडी में ही दिक्कत था और चल नहीं पा रही थी। अभी आपने प्रार्थना किया है, ये बहन हो गई है, जो चलता नहीं चला है यीशु मेरा, जो चलता नहीं चला। हम अपने जगह पर छलांग मार के और बैठ जाएंगे और परमेश्वर की गवाही को सुनेंगे। बैठ जाओ, सीट डाउन, छलांग मार के होटे को खड़ा बना दे यीशु मेरा, होटे को खड़ा बना दे यीशु मेरा। दर्द रहता था पूरे शरीर में, दर्द था जी, इस बहन को पूरे शरीर में दर्द रहता था। ये बहन दवा कराते कराते थक गई थी और ये बहन गाड़ी भी लेना चाहती थी कि परमेश्वर अगर आप मुझे गाड़ी दे दे तो मैं गाड़ी से अपने 7-10 लोगों को लेकर के चर्च में जाऊंगी। फास्ट बोलेंगे, टाइम कम है। ये बहन आप आई और आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज ये बहन दर्द से मुक्त हो गई और गाड़ी भी ले ली है। बहुतों को लग रहा है कि यार मैं गरीब हूँ, मैं गाड़ी नहीं ले सकता हूँ, मेरे पास उतने पैसा नहीं है, मैं गाड़ी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो काम आपसे नहीं होगा वो मेरा परमेश्वर करके दिखा देगा। हालेलुया। बस आप इतने भरोसा रखो कि हम अगर सच्चे दरबार में आए हैं, जो कुछ मांगेंगे लेकर जाएंगे। आमीन। आप जो मांगोगे, जो मर्जी परमेश्वर का मैं दूंगा, लेकिन सिर्फ वफादार रहना। तो ये बहन लक्ष्मीनाथ देवी भोजौली से, इस बहन के पूरी शरीर में दर्द रहता था। ये बहन आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, ये बहन बिल्कुल जाना चाहते थे लेकिन नहीं लगता। ये बहन आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर, आज इनके लड़के विदेश चले गए हैं। छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। देवी भोरे कटिया गोपालगंज से आए हैं। इन बहन को 1 साल से शैतानी हरकत थी, इन बहन को 1 साल से शैतानी हरकत थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज ये बहन बिल्कुल आजाद हो गई है। हालेलुया। ये बहन कुसुम देवी बिरेट से आई हैं। इन बहन को डिलीवरी था, इनके घर वाले लोग हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनके परिवार के लोग पूरा परेशान हो गए कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बहन, इनके घर के लोग यूट्यूब पे देखे, पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया, आप लोग जाकर के घर सो जाते हैं लेकिन आप लोगों के लिए 24 घंटा घुटने टेक करके प्रार्थना किया जाता है कि आप लोग बचाए जाएं। ये बहन जो यहाँ का प्रेयर टावर का नंबर है उस पे फोन की, करने के बाद 1 घंटे के बाद इनका डिलीवरी नॉर्मल हुआ। बहन सविता देवी पथरा से आई हैं। इन बहन के पति का पैसा फंस गया था, ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज इनका पैसा मिल गया है। तो पना है जो रुका मसा। ये बहन इंद्रावती देवी सिसवा कोठिलवा से आई हैं। इस बहन के बहू का बहु सिर था और पीठ में गांठ हो गया था, ये बहन यहाँ आई, आने के बाद ले हैंड प्रेयर कराई, आज बिल्कुल चंगी हो गई। ओ अभी जा देर न लगा, अभी जा देर न लगा, यीशु की हजूरी में आ, बना है जो रुका मसा, यीशु की हजूरी में आ, बना है जो रुका मसा।
तेरा टावर कहाँ पर? मोबाइल हटा दो वहां से, हटा दे, डिस्टर्ब हो रहा है तो। हाँ साइड रखो, हाँ आप चालू कर, ठीक है। सफल हालेलुया। कितना लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हो, सब करते हो, यस, सच्चे दिल से, यस। अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, सच्चे दिल से परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यस आमेन हालेलुया। जाने कोई जाने या ना जाने, लोग जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। किससे प्यार करता है? जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। कितने सुनना चाहते हैं परमेश्वर का वचन को? अपने पड़ोसी से बोलो कि मुझे तंग ना करना, सीरियस बोल दो। अपने पड़ोसी कौन है? बगल वाले जो आपके बगल में बैठे हैं, उनसे बोलो चुप रहना जब तक वचन होगा तब तक। बोलो आंख दिखाओ, चुप चुप, पड़ोसी से बोलो चुप रहना, आज चुप रहना वचन सुनना। अगर वो चुप नहीं रहता है, बोलो गेट के बाहर जाकर पकौड़ी खा कर, नहीं मानता है तो उसे भेज दो बाहर खाने के लिए। अगर एक भी वचन आपने छोड़ दिया, शायद आपके जीवन में काम ना होगा। सिर्फ चमत्कार से आपका घर में काम नहीं चलेगा, परमेश्वर का वचन से घर में काम चलेगा। सब बल्हा दे, हालेलुया। आपके रोग, आपके बीमारियां, आपका समस्या, सिर्फ चमत्कार से सब कुछ सही नहीं होता है, आपको परमेश्वर के वचन को सुनने से होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनेंगे, परमेश्वर आपको सबसे ऊंचे लेवल पे लेकर जाएगा। बोलो आमीन। क्या आप रेडी हैं सुनने के लिए? यस। आप तैयार हैं? यस। बोला हाँ हाँ, ओके। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। यीशु क्यों आए? यीशु जब जन्म लिया, यीशु जन्म से प्रचार करने लगा, जब आया जगत में, वो प्रचार करने के लिए आया, सुसमाचार सुनाने के लिए आया। परमेश्वर ने आया ताकि हम पापियों को, रोगियों को, दुखियों को, गरीबों लोगों को, अनाथों लोगों को, बेसहारे लोगों को, पाप में जकड़े हुए लोगों को छुड़ाए। और वो परमेश्वर आपको चाहता है कि मैं तुम्हें बचाऊं, और परमेश्वर आपको चाहता रहेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन उसने उसका कुछ आज्ञा है। पहला आज्ञा, परमेश्वर कहा अगर तुम सबसे नंबर वन पाना चाहते हो तो कहता बुराई ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, पाप ना करना, नफरत ना करना, ईर्ष्या ना करना, बैर ना करना, झगड़ा ना करना, क्रोध ना करना, समझ रहे कि नहीं, डाह ना करना, मतवाला ना होना। मतवाला क्या होता है? बाइबल कहता है मतवालापन। मतवालापन क्या होता है? कहता तीन लोग अपना भाग खोते हैं, तीन लोग, तीन लोग घर में कभी सुख शांति नहीं मिलता है। कितने लोग घर में? तीन लोग। तीन लोगों का लाइफ में वो जितना भी मेहनत कर ले, कभी शांति को नहीं महसूस करेंगे, और ना वो करेंगे ना उनका आने वाले पीढ़ी करेगा। इतने 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 श्रापित हो जाते हैं वो व्यक्ति, तीन लोग। अगर आपके घर में तीन काम कोई करने वाला व्यक्ति है तो वो सावधान हो जाए, नहीं तो उसका बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे कि नहीं? तीन काम। पहला, अगर कोई व्यक्ति आलसी है, आलस करता है, काम करने में आलस, कारोबार में आलस, दुकान में जाने के बाद आलस, बिजनेस में जाने के बाद आलस, अगर वो आलसी है तो वो कभी जीवन में शांति नहीं रहेगा। आलसी लोग परमेश्वर के लायक नहीं होते। कहता है मेरा बेटा बेटी बछड़े के समान उछलते और कूदते और खेलते हैं। हालेलुया। दूसरा, पेटू लोग, पेटू, पेटू समझ रहे कि नहीं? कितने पेटू लोग समझ रहे? पेटू लोग कितने समझ रहे? पेटू किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है पेटू? जो सारे अपना काम छोड़ के खाने के पीछे दौड़े रहते हैं, खाना खाना खाना, जी उसको बोलते हैं पेटू। उसको सिर्फ भूख ही लगता है, बोलो काम करना नहीं करेगा,
बोलो मेहनत करना नहीं करेगा, बोलो कहीं जाना नहीं जाएगा, खाना चाहिए खाना चाहिए। अगर वो ज्यादा खाने वाले व्यक्ति है और काम करने वाला नहीं है, रात दिन खाना खाना चिल्ला रहे, मैं कह रहा हूँ खाना खाते खाते घर का सारा चीज खा जाएगा। बेटे लोग जो पेटू होते हैं सिर्फ खाएंगे और आलसी बन के सो जाएंगे। आज के लोग कहते क्या है, सुबह खाना मिल गया चाहे नॉन रोटी कुछ भी मिल जाए, खा लो मोबाइल ले लो सो जाओ। ऐसे लोगों को तकदीर भाग खराब हो रही है मेरे भाई बहनों, सावधान हो जाओ। अगर आपके भी बच्चे ऐसे हैं उसे सावधान कर दो, क्योंकि ये दिन अच्छा नहीं है, ये दिन बुरे हैं। इस दिन में अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, इस दिन में कर्तव्य नहीं करेंगे, इस दिन में हम काम नहीं करेंगे, इस दिन में अपना मेहनत नहीं करेंगे, आने वाले समय पर भीख भी मांगने से नहीं मिलेगा, ऐसा दिन आ जाएगा। आज अगर आपने मेहनत नहीं किया, आज अपने बैंक बैलेंस नहीं बनाया, आज आपने संघर्ष नहीं किया, आज आपने तपस्या नहीं किया, तो आने वाले समय में आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने बच्चों को समझाओ और तैयार करो। कहता आलसी लोग अपने भाग खोते हैं और पेटू लोग जो खूब खाते हैं वो अपना भाग खो देंगे। तीसरा बियक्कड़ लोग, मेरे भाई भी एक बियक्कड़ बैठे, ये लोग भाग खोएंगे। समझ रहे कि नहीं, ये भाग खोएंगे, एक दिन आंसू बहाएंगे लेकिन आंसू पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को रोएंगे लेकिन कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा और कहेगा, लात मारेगा उन लोगों को, जिसको खुदा लात मार दे उसे कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर खुदा आपसे मोहब्बत करता है तो दुनिया आपका पीछे है, लेकिन अगर खुदा तुम्हें लात मार दे तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं मिलेगा। ये बात को याद रखना है। आज अगर आप सही सलामत तो खुदा का शुक्र करो, जाकर देखो शमशान घाट पर, जाकर देखो हॉस्पिटल में, जाकर देखो जगह जगह कैसे लोग पड़े हुए हैं बीमारी में लाचारी में। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया छोड़कर चले गए। आप शुक्र मनाओ कि आपको परमेश्वर सांसें दिया है, शुक्र मनाओ कि परमेश्वर आपको सही सलामत रखा अभी तक, सही सलामत आप चल रहे हो बैठ रहे हो, शुक्र मनाओ। इसके लिए अब घमंड मत करो कि आपका शरीर आपका साथ देगा। जिस दिन आपका टांग काम करना बंद कर देगा दुनिया लात मार देगा आपको, पेट किडनी खराब हो जाएगा दुनिया लात मार देगा मेरे भाई बहन। इसलिए परमेश्वर कहता तीन लोग अपना भाग खोते हैं, पहला आलसी लोग, दूसरा पेटू लोग और तीसरा व्यक्कड़ लोग। जितने दारू पीने वाले लोग हैं उनसे बोल देना सुधर जाए, अगर इसमें भी है वो सुधर जाए। अगर अपने लिए नहीं सुधरे तो बच्चों के लिए सुधरे, अपने पत्नी के लिए सुधरे, अपने माँ बाप के लिए सुधरे, आने वाले भविष्य के लिए सुधरे। अगर नहीं सुधरता है उसे कोई नहीं बचाएगा। आज भी समय है अपने आप को सुधारने का, परमेश्वर मौका देता है, परमेश्वर हमें समय देता है, परमेश्वर बार बार हमें बचा रहा है, बार बार हमें दुर्घटना से संकट से कलेश से बीमारी से बचा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बचाते रहेगा, जिस दिन वो बचाना छोड़ दिया उस दिन क्या होगा आपका दशा कोई नहीं जानता। सावधान रहो इस बात को लेकर। मेरे भाई भी दो लोग हैं ऐसे करने वाले, मेरे भाई लोग, मेरे सागा भाई जो मुझे गाली देते थे। मैं जब परमेश्वर को जाना मेरे को ताड़ना सुनना पड़ा, मेरे को परमेश्वर के साथ चलना आसान भी है और कठिनाई भी है। आप समझ रहे कि नहीं, लेकिन अगर हम सच्चे हैं, आप सच्चे हो, जीत आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? यस। क्या आप समझ पा रहे कि नहीं? यस। सच्चाई के मार्ग पर कठिनाई आएंगी, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो दुनिया साथ छोड़ देगा। जब आप सच्चाई पर चलोगे, एक चीज अपने दिमाग में नोट रखना, जब आप बुरे काम करोगे तो बुरा के साथ दुनिया देता है, लेकिन जब आप सच्चाई काम करोगे सबसे पहले आपका धोखा देने वाले आपके भाई होंगे, आपके घर के लोग होंगे, आपके पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका पड़दार हो सकता है। सबसे पहले धोखा वो लोग देंगे, वो आपका टांग खींचेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब कभी आप अकेले होना, जब कभी अपने लाइफ में अकेले होना, आगे पीछे दाएं बाएं ताकना, अगर आपको एक भी लोग दिखाई ना दे और आपको लगे कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, उस समय समझना आप सही व्यक्ति हो। जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ परमेश्वर होता है। अगर आपको सब कुछ लौटेगा, जिस दिन आपको दुनिया का खुशी मिल जाएगा उस दिन आप परमेश्वर को भूल जाओगे, लेकिन जिस दिन दुनिया में कोई दिखाई ना दे
मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे गरीबियों से ऐसे ऐसे समय से निकला हूँ, मैंने गन्ने के खेत में जाकर रासू बहाया हूँ कि परमेश्वर क्या मैं गरीबी रहूंगा, क्या मैं लाचारी रहूंगा, क्या मैं बीमारी में रहूंगा, क्या मैं कर्जी में रहूंगा, क्या मेरा यही दशा रहेगा, क्या मैं इसीलिए बनाया गया हूँ। परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन मैंने तुमसे प्यार किया उस दिन तेरा सब कुछ बदल दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर मैं क्या करना होगा, परमेश्वर ने कहा बुराई करना छोड़ दे, नशा करना छोड़ दे, गलत काम करना छोड़ दे, मैं तुमसे प्यार करूंगा। और जैसे मैंने नशा को त्यागा परमेश्वर ने मुझे जीरो से हीरो बना दिया, सब बना। उसके हाथ में सब कुछ है। अगर परमेश्वर इशारा करे दिन रात भी हो सकता है, लेकिन अगर हम रात दिन चिंता करेंगे तो दिन रात नहीं हो सकता। इसलिए सावधान हो जाओ खुदा के काम करने के लिए। खुदा तुमसे प्यार करता है, बीवी प्यार करता है, कहता है बार बार माफ कर रहे हैं। जब मैंने परमेश्वर में आया था लोग मुझे दुख दे रहे थे। यीशु कोई धर्म और कोई जाति के लिए नहीं आया, यीशु सारे जगत के लोगों के लिए आया, यीशु मानव जाति के लिए आया, यीशु हमें बचाने के लिए आया। हमारा कर्तव्य यह नहीं है सिर्फ धन कमाना, पैसा कमाना, हम ऐसो आराम करना। अगर हमें ऐसो आराम करना होता तो बहुत सारे जगह है ऐसो आराम करने के लिए, लेकिन हमें ऐसो आराम नहीं चाहिए, हमें तो सच्चे परमेश्वर चाहिए। हमारे पास धन नहीं चाहिए, परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर है तो धन भी है और शांति भी मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। आज लोग दुनिया में क्या पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे। आज दुनिया के लोग संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। आज दुनिया के लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहे। मैं कर आज से बात को नोट करना, आज से ये बात को सोचना कि जितने चीज के पीछे आप भागोगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो तुम्हारा पत्नी हो, चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप उसके पीछे भागोगे वो तुमसे इतना दूर भाग जाएगा आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पीछे भागोगे दुनिया के सारे दौलत आपके पीछे पीछे भागेगा। अरे वो सब कुछ दे सकता है, वो सब कुछ दे सकता है जो यहाँ तक लेकर आया है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी यहाँ से खड़ा कर देगा। हालेलुया मैं तेरे साथ हूँ।